हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, आप यूक्रेन कब गए थे और क्यों गए थे? अच्छा, वैसे तो मैं वहाँ पे 6 साल पहले गई थी MBBS करने, और मेरा ये 6th ईयर है MBBS का। वहाँ पे डिग्री, मैं MBBS की डिग्री के लिए वहाँ गई थी, मेडिकल स्टडीज़ के लिए। यूक्रेन में हालातों की बात करें तो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, तो मतलब कौन सी मुश्किलों का जो है आपको सामना करना पड़ा वहाँ पर? एज सच मैं बिल्कुल उजगरोद, जो एक शहर है वो करीब हंगरी के बॉर्डर पे और स्लोवाकिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, तो मैं किसी तरीके मैनेज कर पाई, तो मेरे को इतना मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा। बट मेनली उन बच्चों को सामना करना पड़ रहा है जो वहाँ पे कीव और खारकीव या ईस्टर्न साइड्स में वहाँ पे है। एज सच प्रॉब्लम उनको है, वो अगर कोई वहाँ से भी किसी तरीके बॉर्डर्स तक पहुँच जाता है, बॉर्डर्स के बाद उनको एम्बेसी वगैरह बहुत अच्छे से देख रही है, और एज सच उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब कुछ है जो कभी, जैसे अभी लास्ट प्रॉब्लम आ रही थी कि पोलैंड के बॉर्डर बॉर्डर्स पे रोका जा रहा है बच्चों को, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, या रोमानिया पे भी प्रॉब्लम जा रही है बॉर्डर्स पे, तो वो भी बच्चे जब बताएंगे उनको क्या प्रॉब्लम जा रही है, तो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए। और बट विद जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ टू ईस्टर्न साइड पार्ट ऑफ यूक्रेन, तो मेन हेल्प उनको चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो खाना भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे आगे ATMs वगैरह हमारे में तो पहले ख़त्म होना शुरू हो गया था, तो हमने 8-10 दिन का खाना लेके आए, हम दूध ले रख रखा, सब कुछ रख रखा, और ATM जाएं तो पैसे नहीं है अभी किसी भी ATMs में, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर उनको इवैक्यूएट नहीं किया गया जल्दी से जल्दी, तो उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे आगे। अगर आपके सफ़र की बात करें यूक्रेन से जलंधर तक का, तो उसके बारे में बताइए कैसा रहा वो चीज़? सर थोड़ा हेक्टिक तो है यूक्रेन से, क्योंकि जो यूक्रेन है वहाँ पे जैसे एयर स्पेस तो बंद है, तो एक शहर से दूसरे शहर में आने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। जैसे मुझे कीव से उजगरोद तक आने के लिए हमेशा से 16 घंटे लगते थे, तो उजगरोद से हंगरी के लिए तो मेरे को जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट विद इन यूक्रेन, एक बार मैं बुदापेस्ट पहुंच गई, तब उसके बाद तो नहीं था, हाँ कि अब कोई इशू नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है आपको, और खाने का अकोमोडेशन का कोई भी इशू नहीं है। और हमने जाके खुद, इनफैक्ट मैंने हेल्पलाइन, मतलब मेरी टीम है एक और एक सर हमारे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स पंजाब और राजस्थान के लिए करे हैं, तो हम भी वहाँ पे यहाँ से भी रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो बच्चे एक बार बॉर्डर पहुँच गए उनको आगे आगे हेल्प किया जाए। तो एस और बाकी एक बार वहाँ पहुँच गए तो आगे की जर्नी तो कुछ ज़्यादा थी नहीं कि हम ठीक है, सब सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर तक आप कैसे पहुँचे? बॉर्डर तक वैसे तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बस से लाया जा रहा था, बट वी ट्राइड कि समथिंग एल्स, तो मैं सबसे पहले हमने ट्राइड टैक्सी वाले से किया। वहाँ पे एक मार्शल लॉ लगा है जिसके अंदर आपको 18 से अगर आप 60 इयर्स के बीच में हो तो आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। तो अगर आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा तो हमारा जो हम टैक्सी ड्राइवर लेके चले थे ही वॉज अराउंड 70 ईयर्स, पर उसके कार में कोई इशू था तो उसने हमें बॉर्डर पे ही उतार दिया। एंड ही सेड, मतलब ही वाज वेरी हेल्पफुल, बट ही सजेस्टेड कि यहाँ पे पास में रेलवे स्टेशन है, सो यू कुड गो एंड ट्राई देयर। सो हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ होगा वापस आ जाएंगे। तो हमने रिस्क लेके, हम पहले 5 बंदे थे जो ट्रेन से आगे हंगरी की तरफ एक जोहानी बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर गए। वहाँ पे हमें इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू होने के कारण उन्होंने हमें इतना स्पेशल ट्रीट किया, उन्होंने खुद से हमें स्टैम्प लगा के दी, इमिग्रेशन दिया, वीज़ा दिया, तो उन्होंने हमें फिर आगे गाइड किया कि यहाँ से आप बुदापेस्ट चले जाओ, आपके ऑफिशियल्स मिलेंगे। और हम वहाँ पे भी एक BSH ग्रुप है वो काफ़ी हेल्पफुल है, तो वो ग्रुप के ऑफिशियल्स को लेने आए थे, हमें वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे, तो उन्होंने आगे का हमें प्रोसेस करके वहाँ पे अकोमोडेशन, फूड सब कुछ प्रोवाइड किया। और बस मतलब उसके बाद हमारे आने के बाद जब हमने बता दिया कि हम सेफली बुदापेस्ट पहुंच गए, तो हमारे बाद अराउंड 250-300 बच्चे आए हैं, और हम उन सब बच्चों को आगे गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे आना है, कहाँ जाना है, कैसे नहीं।
तो हमें ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए थे बुदापेस्ट में. वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट प्लेस, तो हम आगे हेल्प आउट कर सकते हैं उनको. तो आपके साथ कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था बता रहे हैं, एक टीम हमें हेल्प ने नंबर वगैरह दे रही थी, वो कौन थे? वहाँ पे एक अजय सोनी सर हैं, ही इज़ वर्किंग इन अ सिटी बैंक ओवर देयर एंड ही इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पिंग एवरी वन विद द फूड अकोमोडेशन. हम उन्हीं के प्लेस पे थे और उनके मतलब लिंक्स भी हैं एम्बेसी के साथ. वो क्या करते हैं, बच्चों जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो वो लिस्ट बना के भेजते हैं कि ये बच्चे हमारे पास पहुँचे, तो आपको एम्बेसी को वो लिस्ट जारी की जाती है कि हाँ आप ये बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश करें. तो हम पहले थे उनमें, तो इसलिए हमारी लिस्ट जल्दी बन के आई है और हम उसके बाद एम्बेसी ने हमें कॉन्टैक्ट किया कि आपको आपकी फ़्लाइट है. जब आप हंगरी पहुंच गए उसके बाद कौन से चैलेंजेस थे, कोई दिक्कतें आ रही थी वहां पर उसके बाद जब हंगरी पहुंच गया? नहीं नहीं, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहां पे बहुत सारे वो जो वॉलंटियर्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. इवन कि वो हेल्प आउट कर रहे हैं कि आप इतने स्ट्रेस भरी सिचुएशन से आए हो, खाना सब कुछ पानी सब कुछ आपको दे रहे हैं, और इवन कि आपको घूमने के लिए भी एक वॉलंटियर के साथ भेजा जा रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हों. बुदापेस्ट एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, तो वो बस कि आप इस माहौल से बाहर निकल के आए हो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, वो आपको घूमने के लिए भी दिया जा रहा है. तो हमें एक बार आप हंगरी पहुंच के उसके बाद कोई भी इशू नहीं है. यूक्रेन गवर्नमेंट की बात करें तो क्या हेल्प मिल रही थी इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पर कोई? मैं हमें तो यूक्रेन गवर्नमेंट उसमें मतलब नहीं आए हम उनके क्या बोलते हैं, हमें उनकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ हमें वो अप्रोच करें, हम तो ऐसे निकल गए. बट हाँ, अगर आप उधर हो बॉर्डर्स पे हो तो आपको वो बिल्कुल हेल्प आउट कर रहे हैं, वो आप जाने दे रहे हैं या कुछ भी. पर एक जो न्यूज़ आई थी पोलैंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हाँ वो न्यूज़ सच में थी कि जैसे लड़कियों को मार रहे थे या वो कुछ कर रहे थे. मतलब वो न्यूज़ तो आई है, सब कुछ था, बट हमने देखा नहीं तो हमें पता नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकती. हाँ मतलब बहुत, बट यूक्रेनियंस बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी बच्चों को, अगर वो खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे तो यूक्रेनियन से थोड़ा समझ के, क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं कि आप हमें जैसे छोड़ के जा रहे हो बीच में या कुछ भी, तो वो ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. उनको कह रहे कि आप भी हथियार उठाइए यूक्रेनियंस को, यूक्रेनियंस इंडियंस को कह रहे हैं. हाँ शायद इसे बोला है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो, आप भाग रहे हो यहाँ से हमें बीच में, तो वो थोड़ा एग्रेशन में थोड़ा बोल रहे हैं सबको. जब आप भारत सरकार की बात करें तो क्या भारत सरकार की तरफ से मदद मिल रही थी, बातचीत हो रही थी कोई? एग्जैक्टली हाँ, वहाँ पे ऑफिशियल्स हर बॉर्डर्स पे हैं, हमारे पास नंबर हर जगह सर्कुलेट हुआ है. आपके मतलब कई कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठा रहे, बट बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आप किसी और को ट्राई कर सकते क्योंकि मेन वाइल वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो किसी और की हेल्प कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि वो भी फ्री बैठे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे मैं पहुँची तो एम्बेसी के ऑफिशियल्स आए थे हमारे पास, रात में ही आ गए थे कि आपको क्या प्रॉब्लम आई या कुछ भी, तो हम आगे के बच्चों को थोड़ा गाइड कर सके. और उनसे भी हमारी रेगुलर बात हुई, इवन कि जब हम निकले एम्बेसडर खुद हमसे आए थे मिलने, और एम्बेसी के बहुत सारे ऑफिशियल्स आए थे, और मतलब अच्छी कोशिश कर रहे हैं सब वहाँ पे कि सबको अच्छे से इवैक्यूएट करा जाए. बट इट इज़ जस्ट दिस कि उनको एक बार बॉर्डर्स तक आना है खुद, बट वहाँ पे अब जो ईस्टर्न साइड के बच्चे हैं वो बॉर्डर्स तक खुद भी नहीं आ सकते, क्योंकि सिर्फ ट्रेन्स चल रही हैं, और ट्रेन्स मतलब ऐसे भर भर के चल रही हैं कि सबको निकलना है वहाँ पे. और कुछ बच्चे तो रिस्क नहीं ले रहे, जो रिस्क ले रहे हैं वो खुद से आ रहे हैं, बट जो बच्चे रिस्क नहीं ले रहे हैं वो अभी तक अंदर ही हैं ऐसा नहीं, और उनके पास फूड भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है. मीन्स कोई गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो उन बच्चों की ज़्यादा हेल्प करें जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, ताकि उनको इवैक्यूएट पहले किया जा सके. ये बात भी बड़ी कही जा रही है कि यूनिवर्सिटी वालों ने बच्चों को जाने दिया, कहते हैं कि आपको मतलब जो है ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली हमारी जो यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे ही चल रही थी, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक सुमे और उनको था कि मे भी शायद वो और नहीं होगा, तो इसलिए देवर प्रेफरिंग कि ऑफलाइन चले और बट अनटिल और अनलेस नहीं था. इवन कि मैं जब यहाँ से सैटरडे को निकली, मेरा फ्राइडे मॉड्यूल होता है, मतलब लास्ट एग्ज़ाम का सिलेबस ख़त्म होता है, तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम पे जब वॉर चल रही थी, और बट ऑनलाइन था. और अभी के लिए 13 मार्च तक उन्होंने यूनिवर्सिटी बंद कर दी है सारी यूनिवर्सिटीज़, और एम्बेसी ने भी बहुत हेल्प करी इस चीज़ में, क्योंकि मिनिस्ट्री को बोला उन्होंने कि आप किसी तरीके यूनिवर्सिटी बंद करो ताकि हमारे बच्चे एक बार के लिए निकल जा सके. तो अभी आपकी जो डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, हालात वहाँ पर ख़राब है, तो अगर हालात वहाँ पर ऐसे ही बने रहते तो दोबारा क्या आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी?
ये नहीं पता, हम भी स्टिल मेरे को सिर्फ लास्ट अब यही प्रॉब्लम है कि हमारी डिग्री का क्या होगा, क्योंकि मैं यहाँ से अगर बताऊँ सच में तो मैं इंडिया जस्ट एक महीना पहले गई थी, मेरी 29 की थी, यहाँ जनवरी से फ्लाइट थी, मैं गई ही इसीलिए थी कि मेरी डिग्री है, 3-4 महीने बचे थे और मेरे को डिग्री वापस लेके आना है। अगर मेरे को पहले पता होता कि ऐसी सिचुएशन होने वाली है तो मैं एक महीना पहले ही नहीं जाती, मैं क्यों इतना परेशान होती, गई मैं 4 दिन लगा के, वापस 4 दिन लगा के आई हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री कि मेरे को जाना था, गई मैं, और अब बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि डिग्री मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आगे मतलब 6th ईयर वालों को सबसे ज़्यादा यही इशू है हाँ, कि अब उनका लास्ट ईयर था, हम ऑलरेडी अपने 6 साल दे चुके हैं, तो अब आगे क्या होगा ये नहीं पता बिल्कुल। अगर बात करें तो भारत में भी डॉक्टरी की पढ़ाई है, तो क्यों भारत छोड़ के यूक्रेन चुना है? एक्चुअली सीट्स तो पता ही है सबको, बहुत कम है, नीट क्वालिफाइड हैं हम लोग सब, ऐसा नहीं है कि नीट क्वालिफाइड नहीं है, ये मैंने सुना कहीं पे कि कोई ऐसे बोल रहा है कि जो लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पाते या फिर जो नहीं वो कर पाते वो सब वहाँ पे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बहुत अच्छे 90 डिग्री मतलब 90+ वाले हैं या 92% वाले हैं वो सब भी वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम है या फिर MBBS की सीट्स बहुत कम है या फिर आपको कोई और इश्यूज़ की वजह से आप कभी लक भी होता है कि नहीं आ पाई सीट, मार्क्स कम आए तो वेरी, और तो वहाँ पे ऐसे कि आपको डायरेक्ट एडमिशन्स दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप आके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो MBBS के लिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी अब डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी तो बहुत अच्छे से पढ़ के कर ही रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मींस इंडिया में नहीं की है, यूक्रेन में नहीं की, इट इज़ जस्ट कि हाँ हम अफोर्ड कर सकते थे इसलिए हम वहाँ पे जाके करी। आपके साथ दूसरी कंट्रीज के लोग होंगे, क्या उनके पासपोर्ट देख के उनको भी इतनी फैसिलिटी मिल रही थी वहाँ पर? नहीं एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ वहाँ पे बॉर्डर्स पे, वो सब हमें बोल रहे थे कि इंडियंस को जाने दे रहे हैं, पाकिस्तानी थे वहाँ पे, बांग्लादेशी थे, नेपाली थे, उनके जो पासपोर्ट्स थे वो सुबह से होल्ड पे थे, उनको वो मोर देन 24 आवर्स हो गए थे खड़े, और वो उनको नहीं आने दिया जा रहा था। बट इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू हाँ मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी इंडियंस को वहाँ पे कि अगर आप इंडियन हो तो आपको बहुत आसानी से दिया जाने दिया जा रहा था। अभी आपके और भी दोस्त वहाँ पर फंसे होंगे, हाँ जी, बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं वो? हाँ जी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, हम उनको किसी तरीके हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कीव से बच्चे थे वो हमने गाइड किया, तो वो 200 बच्चे एक साथ निकले हैं, और अब ऐसे ही एक मेरे खारकीव से अभी फ्रेंड निकला है, अगर वो अच्छे से सेफली निकल जाता है देन हम आगे किसी को और को बोल पाएंगे कि हाँ आप इस तरीके से इस रूट से पकड़ के आ सकते हो। धमाके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या आसपास आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी ऐसे धमाके हो रहे हैं? जी बिल्कुल, वो बोलते हैं कि हॉस्टल्स के बाहर फायरिंग हो रही है या फिर कहीं पर भी मिसाइल्स गिर रही है, एयर साइरेंस 24/7 चल रहे हैं, उनको तो उन्होंने वो सब तो फेस कर रहे हैं, हमने तो सब सुना है, हमारी सिटी काफ़ी काम थी तो हमें नहीं पता चलता, बाकी सिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ये बम्बार्डमेंट, शेल्डरिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। और अगर बात करें तो क्या उनके साथ भी कोई जैसे वहाँ के लोकल लोग तंग कर रहे हैं, कोई बातचीत हुई लोकल लोग वहाँ पे रहने में? नहीं, आपके जो दोस्त वगैरह उनको तंग कर रहे हैं? हाँ उनको ट्रेन में चढ़ने के बाद एक बार तंग किया था, बट उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया था तो वो सेफली निकल आए हैं वहाँ पे। अब मिशन गंगा के तहत आए, कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं नहीं वहाँ एज सच कोई परेशानी नहीं हुई है हमें, एक बार आप एम्बेसी वालों के साथ कंटेक्ट में आ जाते हो तो वो लिस्ट बना के आपको भेज रहे हैं, ऐसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन कि एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, की सारी गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है वहाँ पे, बाहर ही सबके हेल्प डेस्क लगे हैं हमारे साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने लगा रखे हैं वो सारे हेल्प डेस्क हर यहाँ के स्टेट के, वो इवन के बच्चों को घर तक लेके आ रहे हैं। हंगरी कब पहुँचे सर? मैं सर सैटरडे पहुँची थी। और वहाँ से मतलब कब, जब आपका कॉन्टैक्ट हुआ था? एम्बेसी के साथ हो गया था कॉन्टैक्ट, एक्चुअली ऐसा था कि जो बच 2:40 की फ़्लाइट जा रही थी और हमारे यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स जो हैं जो हमें लेके जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, वो बसेस भर भर के भेज रहे थे, तो जो बच्चे वहाँ पे खुद से आए हैं उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, मींस 1-2 दिन थोड़ा वेटिंग हो सकता है कि बच्चे निकल रहे हैं सारे, तो एज सच और वहाँ पे अगर आप रुक भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकोमोडेशन फूड सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है।
जैसे कि जिसने आर्मी अपना भारत के झंडे लगाए हो या कार पर भी लगाए हो तो उनको रोकने जा रहा है रशियन भी जो है सोल्जर वो तंग नहीं कर रहे, कुछ ऐसा है वहाँ पर? मेन रशियन सोल्जर्स तो वहीं पर ही हैं कीव खारकीव सुमी, यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट भी हेल्प आउट कर रही है, अगर आप वहाँ से निकल रहे हो तो आपको जाने दिया जा रहा है। कुछ मैंने हमारे साथ ही बच्चे खुद की कार लेके वो कीव से इतना रिस्क लेके निकले थे, 3 बच्चे थे वो कीव से, वो लड़के रिस्क लेके निकले एंड उनकी एक ही हेडलाइट थी, वो सारे रास्ते उनको आई गेस 3 दिन लगे कीव से हंगरी तक पहुंचने के लिए, खुद ड्राइव करके आए वो अपनी कार से। तो कहीं कहीं तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम की कि हाँ आप क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, या फिर ऐसा, या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सब कुछ, बट अगर आप ऑफिशियल एम्बेसी ऑफिशियल से बात करवा दे रहे हो तो वो जाने दे रहे हैं आपको। थैंक यू।